मिंटो साहब मुझे बताइए, ये वही मानसिकता है जो कश्मीर में जो लोग मारे जाते हैं आतंकवादियों के हाथों से, उनके लिए नमाज जनाजा करते हैं? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ कट्टरपंथी छात्रों की सोच है, मुझे यही बताइए, इसे इस्लामिक आतंकवाद ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? दीपक जी शुक्रिया, लास्ट में ही सही थोड़ा सा टाइम देने की है, लेकिन मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करिएगा, मैं चार पॉइंट्स में अपनी बात कंक्लूड करूंगा। पहले मेरी बात बहुत वक्त बाकी है आपके पास। आप जी शुक्रिया, आप इंटरप्ट बहुत करते हैं इसलिए मुझे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी आपसे। नंबर वन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जयपुर में जो कुछ हुआ वो भारत का आंतरिक मामला है, तो इस आंतरिक मामले में ये पाकिस्तानी तारिक फतेह जो बैठा है, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है कि पाकिस्तानी जो आपने यहाँ पे बैठा रखा है, ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें कोई पाकिस्तानी नहीं बैठना चाहिए। नंबर वन मेरा ये ऑब्जेक्शन है, यही तकलीफ रहती है। नंबर टू यही तकलीफ है। आपने कहा कि साहब इस्लामिक आतंकवाद, मैं आपके सामने एक आर्टिकल रखना चाहता हूँ, द हिंदू का 2013 का एक आर्टिकल है जिसमें हिंदू के ये आर्टिकल के हवाले से कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 65 और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई किया है। 65 में से मैं आपको बता दूं, 65 में से 57 ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्थ ईस्ट की हैं, जिसमें से 11 मेघालय की हैं, 4 त्रिपुरा की हैं, 2 नागालैंड की हैं, 4 मिजोरम की हैं और मणिपुर की 34 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सब नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टोटल फिगर होती है 57। 65 में से 57 ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू द हिंदू, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से। ये कौन सा टेररिज्म है, किस रिलीजन से लिंक है, आपने हमें नहीं बताया। अगर आपके पास डाटा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरा पॉइंट, आपने अभी ये डिस्कस भी हुआ कि मंदिर में पानी पीने वाले बच्चे को मारा गया, वो एक इंसिडेंट हुआ, उससे पहले 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी है जिसमें ज्यादातर मरने वाले मुसलमान थे और कुछ एक सेक्शन जो है दलित क्लास का भी था, तो उन पर आपने कितना डिबेट किए, कितने आपने उन 150 केसेस पर डिबेट्स किए हैं, दीपक चौरसिया जी आप मुझे डिटेल में बता दीजिएगा। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि क्या बीजेपी के लोग ISI के लिए मुखबिरी करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पकड़े गए, और अगर पकड़े गए तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी टेररिस्ट आउटफिट है या नहीं, इस सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। दूसरी चीज, अर्नब गोस्वामी ने अच्छा ठीक है नेशनल सिक्योरिटी का मामला लीक किया व्हाट्सएप चैट में, चारों पॉइंट रखे आपने, मेरा जवाब भी सुन लीजिए मिंटो भाई, चारों पॉइंट रख दिया आपने, चारों पॉइंट रख दिया आपने, मेरा जवाब सुन लीजिएगा। नागालैंड मणिपुर और ये जो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो मुट्ठी भर हैं, जिनकी आप बातें कर रहे हैं, क्या उन्होंने 9/11 किया था, क्या उन्होंने 7/7 में लंदन बमिंग की थी, अलकायदा क्या है, आईसीस क्या है, जैशे मोहम्मद क्या है, लश्करे तोयबा क्या है, क्या है संगीत रागी जी, बताइए इनको जरा क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। आप सुन लीजिए ना मुंटो जी, जवाब भी सुन लीजिए, आपकी बात को मैंने शांतिपूर्वक सुना, बताइए संगीत रागी जी, फिर मैं तारिक फतेह साहब के पास चलूंगा, बताइए संगीत रागी जी। जैसे मोहम्मद साहब के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और मिंटो ही बोल रहे हैं कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, आपने मांग कैसे लिया लश्करे तैयबा के नाम पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपने मांग कैसे लिया? संगीत रागी जी जवाब दीजिए, मिंटो जी सुन भी लीजिए जवाब, सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने का मामला भी होना चाहिए आपके अंदर। आप बताओ, आप RSS को कंडम करते हो, आप बीजेपी को कंडम करते हो जिसके लोग ISI की कुफरी करते हो, पकड़े गए, मैं हिजबुल मुजाहिदीन को कंडम करता हूं, बीजेपी देश की रूलिंग पार्टी है भाई, मैं क्यों कंडम करूंगा, ना मैं बीजेपी को कांग्रेस कंडम करूंगा, ना मैं कांग्रेस को कंडम करूंगा, वो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है, मुझे लगता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों का ऊपर का माला खाली नहीं होता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है आपका ऊपर का माला पूरा खाली है, मैं तो सारी आपका ऊपर का माला पूरा खाली लग रहा है मुझे। मुसलमान बैठे हो, ईसाई बैठे हो, कोई बैठा हो, जो भी टेररिस्ट हो।